जिला सिरमौर के मरयोग में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकाला गया और निजी वाहनों में डालकर सोलर अस्पताल पहुंचाया गया। जिला सिरमौर के मरयोग में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब बस जुनगा से बारात लेकर दाड़ो देवरिया से जा रही थी। जैसे ही बस मरयोग से दाड़ो देवरिया वाली सड़क पर करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंची तो ये बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और इसमें सवार यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकाला गया और निजी वाहनों में डालकर सोलन अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारात की बस अचानक खाई में गिर गई और उन्हें लोगों की मदद से खाई से बाहर निकाला और निजी गाड़ियों के जरिए सोलन अस्पताल पहुँचाया गया। शादी से जुनगा से दारो देवरिया जा रही थी तो बीच रास्ते में इसका हादसा हो गया, जो यहाँ से मतलब 300 फुट नीचे गई है। गई लगभग सभी सेफ बताए जा रहे हैं, जो कि 2-3 जो इसमें डैमेज हुए हैं लगभग सेफ है। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी महिलाएं तो उसमें नहीं थी, महिलाएं तो मैक्सिमम तो 2 बच्चे थे जी, छोटे छोटे, और एम्बुलेंस को इतनी कॉल लगी, एम्बुलेंस अभी तक कोई नहीं आई। यहाँ स्थानीय लोगों ने स्थानीय लोगों की मेहनत के बल निकाला होगा जी। बस शादी से आ रही थी, शादी के लिए जा रही थी, यहाँ से दाड़ो देवरिया जा रही थी तो यहाँ से अचानक ही बस पता नहीं स्टीयरिंग फ्री हो गया था क्या हो गया। पिछले मोड़ पे आ रहे थे बाइक, पिछले मोड़ पे मैं चला था तो मेरे साथ के बैठे ने कहा कि यहाँ पे गाड़ी गिर गई है तो इसलिए हम नीचे गए, फिर वहाँ से लोग निकाले, फिर ऊपर लेके आए, जो एम्बुलेंस को कॉल किया तो एम्बुलेंस अभी तक कोई नहीं है, इसलिए तब हमने अपनी स्थानीय प्राइवेट गाड़ी में हॉस्पिटल की सुविधा दी। वहीं इस बारे में डीएसपी नाहन परमदीप ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में सभी सुरक्षित हैं। करीबन 20 घायल यात्रियों को सोलन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि घटना किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जा रही है, इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सर मैं डीएसपी हेडक्वार्टर नाहन हूँ और आज सुबह 10:30 बजे के करीब एक बस जुनगा से देवरिया की तरफ जा रही थी और वो बारात लेके जा रही थी और जो ही वो एक स्टेशन है ब्रयोग के पास जब पहुंची तो वो वहाँ से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैं भी दरअसल यहाँ थाना राजगढ़ के इंस्पेक्शन पे आया हुआ था तो मुझे जो ही सूचना मिली तो मैं तुरंत जो है मौका और यहाँ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। और हॉस्पिटल पहुँचे हुए मैंने देखा कि यहाँ 20 लोग जो है पहुँच चुके हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें से कुछ लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं, लेकिन 5-6 लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं लेकिन बाकी लोग नॉर्मल हैं और उनका ट्रीटमेंट टोटल ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के 23 लोग थे और बस जो है तकरीबन 300 फुट की गहराई में गई है और सारी सवारियाँ बस के साथ ही नीचे खाई में गई हैं। कारण का पता चला क्या? कारण का भी पता नहीं चल पड़ा, मौके पर अब जांच चल रही है और जो ही पता चलेगा तो आगे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी सभी सवारी अभी सही है, कोई ऐसा कैजुअलिटी अभी तक नहीं है। चालक की लापरवाही पाई जा रही है? हाँ, कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें चालक की लापरवाही पाई जा रही जाती है और अब चालक किस स्थिति में था अभी इसके बारे में आगे जांच से इसका पता चल पाएगा।